हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 28वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन के अधीन मराठाओं की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम सूबा शासन और इसके पहले जो मराठाओं के अधीन छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था चली है वहाँ तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मराठा आए, मराठाओं ने शासन यहाँ पर संभाला और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सूबा शासन लागू किया, इन सभी चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सूबा शासन का अंत होने के बाद में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ब्रिटिशों के अधीन मराठाओं ने शासन किया। ठीक है, तो टॉपिक का ही नाम है ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो डायरेक्टली मराठाओं के कंट्रोल में था, लेकिन इनडायरेक्टली अभी भी ये ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुका था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एक आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें कि एक फेज वाइज मैनर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद से लेकर के और 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशर्स का शासन लागू होता है, यहाँ तक का एक क्रोनोलॉजी यहाँ पर दिया है। क्रमवार जो इवेंट्स हैं उनका एक लिस्ट दिया गया है। हालांकि यहाँ से आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर पूरी स्टोरी को समझने के लिए ये जो टेबल है, ये जो डायग्राम है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्योंकि पूरी स्टोरी डिस्कस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं को ही हम अपना टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2-3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि आगे भी आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जब ब्रिटिशर्स का शासन लागू हो रहा है, ब्रिटिशर्स का शासन कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो मराठा यहाँ पर शासन कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि एक व्यक्ति है, एक शासक है जिनको कि राजा बनना चाहिए था, रघुजी तृतीय जो है वो अल्पवयस्क थे और इनके अल्पवयस्क होने का लाभ उठाया था अप्पा साहेब ने। अप्पा साहब यहाँ पे अधिकारी नियुक्त हो गए थे, लेकिन अप्पा साहेब ने शायद अंग्रेजों के साथ इनका तालमेल ठीक नहीं बैठा है और उन्होंने अंग्रेजों से यहाँ पर बगावत मोल ले ली। उसके बाद जब अंग्रेजों ने अप्पा साहेब को हरा दिया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर घोषणा किया कि रघुजी तृतीय जो कि नागपुर के होने वाले राजा थे, उनके नेतृत्व में या उनको उनके उनके बिहाफ में ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन करेंगे। अब रघुजी थर्ड जो है वो अभी अल्पवयस्क थे और ब्रिटिशर्स ने ये घोषणा किया था कि जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हो जाएंगे वैसे ही उनको सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रघुजी तृतीय को राजा बनना चाहिए था, लेकिन अल्पवयस्क होने की वजह से उनको राजा नहीं बनाया गया था और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर उनके बिहाफ में शासन करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यक्ति, एक पोस्ट का निर्माण किया जिसको कहा गया रेजिडेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रेजिडेंट्स की नियुक्ति करना इन्होंने शुरू किया। अब छत्तीसगढ़ में रेजिडेंट होने से पहले नागपुर वाला क्षेत्र, क्योंकि राजा जो है वो नागपुर से शासन करेगा, फिर राजा की मर्जी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में शासन चलाया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नागपुर में बैठा जो राजा है रघुजी थर्ड वो अभी अल्पवयस्क है, तो नागपुर में सबसे पहले एक रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा 31 मई 1818 को। ये पूरी स्टोरी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं लेकिन वो हमारे लिए फिलहाल काम के नहीं है, तो जितनी काम की चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और 31 मई 1818 को नागपुर में एक रेजिडेंट बनाए जाते हैं, इनका नाम था जेनकिंस। रेजिडेंट का मतलब सिंपल ये समझिएगा कि राजा जो है वो कोई भी निर्णय लेने से पहले जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिसको रेजिडेंट का पोस्ट मिला है, उनसे डिस्कस करेगा और सीधे उनके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जेनकिंस नाम का एक रेजिडेंट नियुक्त किया जो कि नागपुर से कंट्रोल कर रहा था मराठा साम्राज्य को। इसके बाद में क्योंकि नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ था, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी पहली बार ब्रिटिशर्स का शासन लागू हो गया। कब? 31 मई 1818 से। ठीक है, और इसके बाद में आगे चल करके जब
रघुजी थर्ड वयस्क हो जाते हैं तो अंग्रेजों ने उनको सत्ता सौंप दी थी, लेकिन जो अप्पा साहेब जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1840 में। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है, बस याद रखिएगा रघुजी तृतीय को सत्ता सौंप दी जाएगी बाद में, उस समय ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। उस समय हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन किस तरीके से लागू होता है, ठीक। तो ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी। इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा गया है कि रघुजी थर्ड इनको शासक बनाया जाना चाहिए था, किस समय इनको सत्ता सौंपा गया है। तो 1817 में इनको सत्ता सौंपना चाहिए था, लेकिन अल्पवयस्क होने की वजह से सत्ता नहीं सौंपा गया है। इनके जगह पर कौन शासक हुए हैं ये पूछा गया है, तो अप्पा साहेब को इनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, नागपुर में रेजिडेंट सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है जेनकिंस। कब नियुक्त किया गया है, 31 मई 1818 को। प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजों के शासन के अधीन कब आया है, 1818 में, ठीक है। ये बेसिक प्रश्न है, इनकी चर्चा हमको आगे फिर से मिलेगी। अब हम आते हैं सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की अगर बात करें तो कितने ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, कौन से महत्वपूर्ण इनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इनके समय में हुए हैं, ठीक। अब ये जो 1818 से 30 का समय है इसको कहा जाता है ब्रिटिश नियंत्रण का काल। छत्तीसगढ़ और नागपुर दोनों ही ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और इसी समय छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट्स की नियुक्ति की गई थी, ठीक। अब ये ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट जो थे वो नागपुर के रेजिडेंट के, नागपुर में जो अधिकारी बैठा है उसके अधीन हुआ करते थे। इस प्रकार एक एक करके छत्तीसगढ़ में कुल 6 महत्वपूर्ण अधिकारियों की बदली होती है, या अलग अलग करके 6 महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। इनका नाम बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। इनका नाम है एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस विल्किंस क्रॉफर्ड। अगर जो लोग अभी तक इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स को याद नहीं किए हैं, वो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं इनके बारे में, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये कम से कम गलत नहीं होने चाहिए। तो एडमंड एगेन्यू हंटर सैंडिस विल्किंस क्रॉफर्ड, इनका क्रम पूछा गया है कि किसके बाद कौन आया है, ठीक है। तो सबसे पहले थे एडमंड, फिर आए एगेन्यू, इनके बाद आए हंटर, फिर आए सैंडिस, और उसके बाद आए विल्किंस, और लास्ट में आए क्रॉफर्ड। ये सभी मैंने शॉर्ट में नाम नोट किए हैं, पूरे फुल इनका पूरा नाम आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, 1818 से लेकर के 1830 के बीच इन 12 वर्षों के दौरान ये 6 ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में कार्यरत रहे हैं, ठीक। और इसी समय को ब्रिटिश नियंत्रण का काल कहा जाता है। ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण का काल कब से कब तक था, 1818 से 30 तक, ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट या ब्रिटिश अधीक्षक कौन रहा है, तो इनका नाम है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट थे कैप्टन एडमंड। 1818 में छत्तीसगढ़ में कार्य करने के लिए आए थे, और इनको छत्तीसगढ़ में पहला सुपरिटेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहला ब्रिटिश अधीक्षक कहा जा सकता है इनको, कैप्टन एडमंड को। इनके बारे में देखिए कितने बार प्रश्न पूछा गया है, ये तो सिर्फ पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सूची है, इसके अलावा भी कुछ जगह होंगे जहां पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, पर इनको यहां पर शायद ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नागपुर में भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड फर्स्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट। इन्होंने किस स्थान को अपना राजधानी बनाया था, तो राजधानी था रतनपुर। नेक्स्ट है, इनके समय में जो प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं मैं बस उनको डिस्कस करते चलूंगा। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि कैप्टन एडमंड के समय में कहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इस डोंगरगढ़ के विद्रोह का दमन किस तरीके से किया गया, तो खैरागढ़ के जमींदार की मदद से डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसके बाद आए अगले रेसिडेंट हैं कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन पी वंस एगेन्यू। इनका कार्यकाल रहा है 1818 से लेकर के 25 तक, सन 1818 से 1825 तक। इन्होंने रायपुर को राजधानी बनाया और यहीं से अपना कार्य संचालित किया। इनके बारे में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन, यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक ढांचे में क्या बदलाव हुए इनको हम देख लेते हैं,
तो पहली चीज़ तो हमने ये देखा कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, ठीक है। कैप्टन एडमंड जो थे इन्होंने अपना राजधानी कहाँ रखा था, रतनपुर में रखा था, लेकिन एगेन्यू ने अपना राजधानी कहाँ शिफ्ट किया, रायपुर में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो रतनपुर से रायपुर अपना राजधानी परिवर्तित कर लिए। प्रशासनिक रूप में क्या परिवर्तन हुए, तो प्रशासनिक रूप में प्रशासन का मतलब है कि जो राज्य है उसको संभालने के लिए अलग अलग जो पद दिए जाते हैं अधिकारियों को, इन अधिकारियों के पदों में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से देखेंगे तो इन्होंने पटेल का पद समाप्त कर दिया और गौटिया का पद यथावत बना रहा। यह प्रश्न भी एज इट इज पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा पद समाप्त किया गया था, तो पटेल का पद समाप्त किया गया है, और कौन सा पद यथावत बना रहा था, तो गौटिया का पद यथावत बना रहा था। इनसे संबंधित और भी कई पद हैं, कई टैक्स हैं, उनके बारे में हमको आगे लिस्ट देखने को मिलेगा। भी बस याद रखिएगा कि इन्होंने पटेल का पद समाप्त किया, गौटिया का पद बना रहा। परगनों का पुनर्गठन भी किया, ठीक है। क्षेत्र में या प्रशासन के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से इन्होंने पूरे एरिया को, छत्तीसगढ़ जहाँ पे इनका शासन था, इसे परगनों में विभाजित किया, ठीक है। मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना शुरू किया। परगनों के रूप में अगर देखें तो परगनों का जो शुरुआत है वो पहले ही हो चुका था। हम सूबा शासन के दौरान पढ़ चुके हैं कि परगना पद्धति पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इतने मतलब यहाँ पर परगनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 27 के आसपास परगने थे। इनको कंसाइज करके क्या किया, इनको टोटल 8 परगनों में डिवाइड कर लिया, और कुछ समय बाद इसको बढ़ा करके 9 कर लिया गया, ठीक। तो टोटल पूछा जाए कि परगनों की संख्या कितनी थी, तो सामान्य तौर पे अगर ऑप्शन में 8 दिया है तो 8 करेक्ट आंसर होगा, अगर 9 दिया गया है तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो 8 अभी भी करेक्ट आंसर लिया गया है, ठीक है। पुराने पेपर्स में जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, ये 2020 का क्वेश्चन था जिसमें कि 8 परगनों को करेक्ट आंसर लिया गया है। फिर भी आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कब अपना आंसर की चेंज कर ले और पुराने या किसी दूसरे एग्जाम को के आंसर को ना माने, ऐसी भी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो 8 परगनों को बाद में 9 में बढ़ा लिया गया था। कौन कौन से परगने हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। परगनों का अगर नाम देखें तो सबसे पहला है रतनपुर, फिर है रायपुर, रायपुर के बारे में याद रखिएगा सबसे बड़ा परगना है, उसके बाद है धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद, राजरा, राजरा सबसे छोटा परगना है, और बालोद, बालोद सबसे लास्ट में शामिल किया गया है, ठीक। तो जो 9वां 8 के बाद जो 9वां परगना था वो कौन सा था, बालोद, ठीक। तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा परगनों के बारे में। ब्रिटिशर्स में कैप्टन एगेन्यू ने परगनों को मतलब परगनों की संख्या जो बहुत ज़्यादा थी उसको कम करके 27 से घटा करके 8 और बाद में इसको 9 कर लिया, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ परगनों के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि रायपुर, रायपुर जो कि सबसे बड़ा परगना था उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आए हैं, इनको भी पूछा गया है। तो रायपुर परगना के अंतर्गत कोटा, तरेंगा और सिमगा ये क्षेत्र शामिल थे। अब इन मिसलिनियस क्वेश्चंस के लिए भी हमको तैयार रहना है। हम सारा कुछ स्ट्रक्चर में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर उसके बियॉन्ड जाकर के, उससे बाहर जाकर के प्रश्न पूछेगा, तो इसके लिए हमको सिर्फ हमारा गैस वर्क या जो एक्स्ट्रा नॉलेज है यही काम आ सकता है। तो जब तक ये प्रश्न नहीं आया होगा तब तक लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो भविष्य में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो वो जो प्रश्न है उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो प्रश्न सभी के लिए नए हैं और सभी के लिए इक्वली टफ होगा। लेकिन अब ये प्रश्न अगर हमसे गलत होता है तो ये हमारी गलती हो जाएगी। तो परगना, रायपुर परगने के अंतर्गत कोटा, तरेंगा और सिमगा ये क्षेत्र शामिल थे। अगला है प्रशासनिक सुधार, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पटेल का पद समाप्त किया, गौटिया का पद बना रहा। इसके अलावा बरार पांडे, पोद्दार, अमीन, ये सभी जो है वो नए नए पदों का सृजन किया गया है और इनको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। मतलब प्रशासन को अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लाया जा रहा है। भू राजस्व के लिए क्या क्या किए हैं, महत्वपूर्ण नहीं, ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है, महत्व तो हो सकता है प्री के लिए नहीं लेकिन मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो, हमें फिलहाल प्री पर फोकस रखना है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इनका मुद्रा विनिमय महत्वपूर्ण है। इन्होंने वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया, मतलब चीज़ों को बार्टर सिस्टम से हटा करके करेंसी एक्सचेंज को, करेंसी के थ्रू खरीदने बेचने को इन्होंने बढ़ावा दिया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे, अच्छा, इनके समय में कुछ विद्रोह हुए हैं,
ठीक है। एडमंड के बाद में कौन है? एगेन्यू। एगेन्यू के समय में कुछ विद्रोह हुए हैं, इनके बारे में अगर देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख विद्रोहों में ये प्रश्न पूछा गया है, सावंत भारती का विद्रोह, ठीक है, सावंत भारती का विद्रोह कब हुआ है? 1818 में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विद्रोह हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, किसके समय में हुआ है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है नवागढ़ विद्रोह, गोंड विद्रोह, सोना खान विद्रोह और परलकोट विद्रोह। ये सभी किस अधीक्षक के काल में हुए हैं? याद कीजिएगा, किसके काल में हुए हैं? एगेन्यू के काल में, ठीक है। इसके बाद में सावंत भारती का विद्रोह एगेन्यू के काल में किस वर्ष हुआ है? 1818 में। अगले व्यक्ति हैं कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर जो है वो तीसरे नंबर के अधीक्षक बनाए गए हैं, इनके समय में कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, 1825 में ये आए और चले गए। कैप्टन सैंडिस चौथे व्यक्ति हैं, कैप्टन सैंडिस, और इनके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रेजिडेंट नियुक्त होने से पहले, अधीक्षक बनने से पहले ये किस पोस्ट पर थे? ये नागपुर में घुड़सवारी सेना के प्रमुख थे, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1825 से लेकर के 28 तक। इसके बाद में इन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए हैं, छत्तीसगढ़ में डाकतार व्यवस्था की शुरुआत की और ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अब ये ताहूत क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी याद रखिएगा कि ताहूतदारी प्रथा की इन्होंने शुरुआत कर ली है। इसके अलावा लोरमी तरेंगा, इनको ताहूत के रूप में इन्होंने क्या किया? डेवलप किया। अब ताहूत क्या होता है ये जान लीजिए। ताहूत का मतलब होता है किसी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, ठीक है। कोई एरिया, कोई क्षेत्र, कोई खेत अगर बंजर भूमि के रूप में है जहाँ पर फसल नहीं उग रहा है, तो उनको किसी तरीके से वहाँ पर थोड़ी गहराई से जुताई करके उस पूरे क्षेत्र को उपजाऊ बनाना, इसी को कहा जाता है ताहूतदारी प्रथा। इस ताहूतदारी प्रथा के अंतर्गत दो ताहूत बनाए गए थे, एक था लोरमी और एक था तरेंगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि सैंडिस के काल में किन दो जगहों को, कितने जगहों को ताहूत बनाया गया या उन जगहों का नाम क्या क्या है? तो लोरमी और तरेंगा। इसके अलावा इन्हीं के समय में कुछ आदिवासी विद्रोह हुए हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है। बस्तर और करौंद या कालाहांडी में कुछ आदिवासी विद्रोह हुए हैं जो कि किसके काल में हुए हैं यह प्रश्न पूछा है। तो ये आदिवासी विद्रोह जो है कैप्टन सैंडिस के काल में हुए हैं। बस्तर और करौंद का आदिवासी विद्रोह कैप्टन सैंडिस के काल में, ठीक। इसके बाद में अगले प्रमुख व्यक्ति हैं कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस 1828 में आए और चले गए। लास्ट व्यक्ति हैं कैप्टन क्रॉफर्ड। क्रॉफर्ड आए 1828 में और 30 तक कार्य किए, और इसके अलावा यही जो है वो अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। इसके बाद में ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो गई है। इसका मतलब यह है कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि रघुजी थर्ड जो कि ब्रिटिश शासक होने चाहिए, सॉरी मराठा शासक होने चाहिए थे, नागपुर में राजा बनना चाहिए था, लेकिन इनको न बना करके या इनके अल्पवयस्क होने की वजह से इनको शासन न सौंप करके इनके बिहाफ में इनके जगह पर कौन शासन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब रघुजी थर्ड जो है वो वयस्क हो चुके थे और उनको शासन सौंप दिया गया था, ठीक। तो रघुजी थर्ड को शासन सौंप दिया गया, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। अब सत्ता का हस्तांतरण कब हुआ यह प्रश्न पूछा गया है। आंसर क्या है? 27 दिसंबर 1829, ठीक। 27 दिसंबर 1829 को एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते हैं और 6 जून 1830 को ये जो क्षेत्र था आपका मराठों को सौंप दिया जाता है, ठीक। और हाँ, रघुजी तृतीय के द्वारा नियुक्त अधिकारी को ही ये सत्ता सौंपा जाता है, मतलब इनके बिहाफ में रघुजी थर्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे कृष्णराज अप्पा, ठीक है। तो रघुजी थर्ड डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकारी यहाँ पर भेजा हुआ था कृष्णराज अप्पा को, ठीक। इस प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है वो दोबारा मराठों के अधीन आ जाता है। अब वापस से मैंने जैसे कि कहा कि 1818 से लेकर के 30 तक ब्रिटिशर्स का शासन था, फिर 1830 से लेकर के 1854 तक आपके मराठों का शासन यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। और 1854 के बाद में यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स का शासन फिर से हो जाएगा, लेकिन अब वो प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि फुल फ्लैश किंग या राजा के रूप में यहाँ पर शासन या महारानी के
ब्रिटेन की जो महारानी है उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था छत्तीसगढ़ में मराठों का आगमन हुआ है। मराठों के बाद में यहाँ पर मराठों ने ब्रिटिशर्स के अधीन रह करके शासन किया है और उसके बाद में मराठों को पुनः अपना शासन प्राप्त हो गया है। तो ये शासन कब प्राप्त हुआ है? 1830 को, जो कि 1854 तक चलते रहेगा। चलिए अब 1830 से 54 के बीच में प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1830 में रघुजी त्रिती को शासन प्राप्त हो चुका है और इन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दो नए ताहूत निर्माण किए हैं। ठीक है, रघुजी त्रिती के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में दो नए ताहूत का निर्माण किया गया है, एक है सिरपुर और एक है लवन, 1843 और 1848 में। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ताहूत किस शासक के कार्यकाल में बनाया गया है। तो सिरपुर और लवन जो है वो रघुजी त्रिती के काल में बनाया गया है, 1843 और 48 के समय में। रघुजी त्रिती के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करें तो इनके कुछ समाज सुधार संबंधी जो कार्य हैं इनमें से प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि एक मैच द फॉलोइंग प्रश्न पूछा गया था और उसमें मैच करना था कि रघुजी त्रिती के द्वारा किया गया कार्य कौन सा था। तो रघुजी त्रिती के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, इसके अलावा नरबलि प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया है और ठगों का दमन किया है। अब ये याद रखिएगा, ठगी प्रथा अलग है और पिंडारियों का जो कह सकते हैं कि विद्रोह था या पिंडारियों के द्वारा जो लूटपाट होता था वो डिफरेंट चीज़ थी। ठीक, ठगी प्रथा अलग है और पिंडारी अलग है। यहाँ पर रघुजी त्रिती ने ठगों का दमन किया है और इसके साथ में रघुजी त्रिती का सहयोग किया है किसने? कर्नल स्लीमैन ने, जो कि 1830 के आसपास इस क्षेत्र में ठगों को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी सेना यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद में रघुजी त्रिती यहाँ पे इस क्षेत्र में स्वयं आकर के शासन नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक नया सिस्टम शुरू किया। इससे पहले हमने क्या देखा था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूबा शासन चलाया जा रहा था, नागपुर में बैठा राजा सूबेदारों की मदद से छत्तीसगढ़ में प्रशासन चलाता था। उसी प्रकार से रघुजी त्रिती जो है वो नागपुर में बैठ के छत्तीसगढ़ में शासन चलाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जिलेदारों की नियुक्ति शुरू की या फिर जिलेदारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था। ठीक, इस क्षेत्र को जिला या जिला कहा गया और यहाँ पर नियुक्त अधिकारी को जिलेदार कहा गया। इस प्रकार से एक नया व्यवस्था, जिलेदारी व्यवस्था का जन्म किसके किसके वजह से हुआ है? ये हुआ है रघुजी त्रिती के काल में या रघुजी त्रिती के द्वारा। जिलेदारी व्यवस्था का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में, या राजधानी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की राजधानी किस कहाँ पे है? रायपुर में। और जिलेदारों की नियुक्ति कौन कर रहे थे? रघुजी त्रिती। किस समय तक इन्होंने शासन किया है? तो 1830 से लेकर के 54 तक रघुजी त्रिती का शासनकाल यही था, 1830 से लेकर के 54, और इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था लागू थी। छत्तीसगढ़ में एक एक करके क्रमशः 8 जिलेदार नियुक्त हुए हैं और इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इनके नाम महत्वपूर्ण है, सीक्वेंस महत्वपूर्ण है, खास करके पहला और अंतिम तो पता होना ही चाहिए था। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन है? प्रथम जिलेदार का नाम है कृष्ण राव अप्पा। अंतिम जिलेदार का नाम क्या है? गोपाल राव अप्पा। ठीक, तो कृष्ण राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा प्रथम और अंतिम जिलेदार हैं। इनके बीच कौन कौन आए? इनके बीच आए अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू और गोविंद राव अप्पा। ये सभी छत्तीसगढ़ में जिलेदार के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक, जिलेदारी व्यवस्था का अंत किसके समय में हुआ है? तो इसका अंत किया है चार्ल्स सी इलियट ने 1854 में, और इसके बाद में पूरा मराठा शासन को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। ठीक, अब हमको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखनी है। जैसे कि इनके समय में ही छत्तीसगढ़ में कुछ विद्रोह हुए हैं और इन विद्रोहों के बारे में प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? रघुजी त्रिती के समय में ये तीन विद्रोह महत्वपूर्ण हैं, धमधा का, बरगढ़ का और तारापुर।
खैर हमने तारापुर और मेरिया विद्रोह के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। काकती वंश जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम तारापुर और मेरिया विद्रोह के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद कीजिएगा। तो धमधा, बड़गड़ और तारापुर, ये विद्रोह किसके समय में हुआ है प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर है आपका रघुजी तृतीय के समय में, साथ ही मेरिया विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ है। अब एक बेसिक मैप याद कीजिएगा छत्तीसगढ़ का, उसमें जो बस्तर संभाग है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं काकती वंश, है ना। ये सारा कुछ पैरेलल चल रहा है, मैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए डिस्कस करता हूँ कि हिस्ट्री में आपको इवेंट्स की पैरेलली अगर समझ हो जाएगी तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको बस्तर संभाग के नाम से हम जानते हैं, तो बस्तर संभाग में इस समय काकती वंश का शासन था, और मध्य तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मराठों का शासन था, ठीक है। मराठों का जो शासन था उसको अब ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया बाद में, और जो काकती वंश जो दक्षिण की तरफ कार्य कर रहा था उसको भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो वंश या दो अलग अलग साम्राज्य पहले ही चल रहे हैं, दक्षिण की तरफ काकती वंश और मध्य तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपका मराठा शासन। तो उसी मराठा शासन के दौरान यहाँ पर अलग अलग जगहों पे विद्रोह हो रहे थे, जिसमें धमधा, बरगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तारापुर और मेरिया विद्रोह, ठीक है। धमधा विद्रोह के बारे में प्रश्न पूछा गया है किस वर्ष हुआ है करके, तो धमधा विद्रोह हुआ है 1830 में। इसके अलावा रघुजी तृतीय, इनकी मृत्यु हो जाती है 11 दिसंबर 1853 को, और इसके बाद में 1854 में डलहौजी की हड़प नीति की वजह से, ठीक है। हड़प नीति क्या है इसके बारे में आप इंडियन हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ती हैं। तो डलहौजी की हड़प नीति के कारण नागपुर का जो पूरा साम्राज्य था वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ अंततः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न एज इट इज पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे, हम पढ़ चुके हैं बिंबाजी भोंसले थे। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा शासक कौन है, अभी हमने अपना टॉपिक खत्म किया है रघुजी तृतीय। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार कौन थे, बिंबाजी भोंसले के समय में महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार कौन थे, यादवराव दिनकर। छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन आए, कैप्टन एडमंड, इसके बाद में अंतिम कौन थे, कैप्टन क्राफर्ड। कौन कौन रहे हैं, कैप्टन एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस और क्राफर्ड। इसके अलावा प्रथम जिलेदार कौन रहे हैं, कृष्णराव अप्पा, अंतिम जिलेदार कौन रहे हैं, गोपाल राव अप्पा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स के तौर पे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट दे दिया प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोंसले थे, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने इस समय से इस समय तक शासन किया, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इन्होंने ये प्रमुख कार्य किए। अब आपको पता होना चाहिए कि बिंबाजी भोंसले के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के कई पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से मराठा शासन जो है छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाता है। अब मराठाओं के बाद में यहाँ पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया है 1854 से, लेकिन मराठों ने जब तक यहाँ पर शासन किया तब तक यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। मराठाओं ने इस पूरे क्षेत्र में जब टैक्स वसूलना शुरू किया तो जमीन को यहाँ पर दो पार्ट में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला पार्ट था खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र मतलब मालिक का क्षेत्र, मालिक मतलब जो राजा है उसका क्षेत्र, जो सरकारी भूमि थी उसी को ही खालसा क्षेत्र कहा जाता था, जो कि मराठा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था, और इसका पूरा पैसा मराठाओं के खाते में चला जाता था या राजा के खाते में चला जाता था। दूसरा है जमींदारी क्षेत्र। नाम से समझ में आ रहा है किसी क्षेत्र को किसी जमींदार को अगर दिया गया है इसको कहा गया है जमींदारी क्षेत्र, जिस पर जमींदारों का नियंत्रण होता था। इसके अलावा मराठाओं के समय में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता तो होती होगी, और अलग अलग हायरार्की के रूप में इतने सारे जो पोस्ट हैं इनको नियुक्त किया जाता था। सबसे पहला है सूबेदार।
सूबेदार के बारे में हम बात कर चुके हैं। सूबा शासन के दौरान जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसको हम सूबेदार के नाम से जानते थे। ये पूरे शासन का मतलब, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर सूबेदार की नियुक्ति कर दी गई है छत्तीसगढ़ में, तो पूरा छत्तीसगढ़ उसके कंट्रोल में है। सारे फैसले लेने का इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सूबे का राजा हो गया सूबेदार। ठीक है, राजा जो कि नागपुर में बैठा है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर सूबेदार, जो कि इस क्षेत्र के लिए स्वयं राजा के तौर पर काम करेगा। उसको पूरी आज़ादी है नियम बनाने से लेकर नियम पालन करवाने तक की। ठीक, तो यहाँ पे सूबेदार जो है वो सूबा शासन का प्रमुख था। इसे समस्त अधिकार प्राप्त थे। समस्त कहने का मतलब है समस्त, नागरिक, सैन्य, असैन्य, वित्तीय, दीवानी, फौजदारी, हर मामले में इनको अधिकार प्राप्त थे। अगला है कमाविज़दार। कमाविज़दार मतलब परगने का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक, एक सूबेदार के अंतर्गत कुछ कमाविज़दार हो सकते थे। इसके अलावा गौंटिया, गौंटिया मैंने बताया ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद है गौंटिया का। इसके अलावा पटेल, पटेल जो है वो मराठा काल में सृजित नया पद है जो कि लगान निर्धारण और वसूली में सहायता करता था। अगला है फडणवीस। फडणवीस मतलब आय व्यय का हिसाब रखने वाला, आप आज के समय का राजस्व अधिकारी भी कह सकते हैं। अगला है बरार पांडे, नायब फडणवीस, मतलब जो फडणवीस का कह सकते हैं कि उसको हेल्प करने के लिए उसको असिस्ट करने वाला जो व्यक्ति है नायब फडणवीस कहलाएगा। बरार पांडे, बरार पांडे के बारे में याद रखिएगा, प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करने वाला व्यक्ति। ठीक, अगला है पोतदार। पोतदार मतलब परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति। अगला है पंडरी पांडे। पंडरी पांडे मतलब मादक द्रव्य जो अल्कोहल वगैरह है उससे होने वाली आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति, पंडरी पांडे। ये सभी प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं कि पंडरी पांडे इनमें से किस प्रकार का अधिकारी था। चार ऑप्शन दे देगा, अब आपको चूज करना पड़ेगा, या पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आबकारी से संबंधित अधिकारी था, मादक द्रव्यों से संबंधित अधिकारी था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता था। अगला है बड़कर। बड़कर है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा कोतवाल, सभी कोतवाल ये शब्द तो सभी ने सुना ही है, गांवों की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति। अमीन, अमीन जो है वो राजस्व संबंधी हिसाब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी, मतलब ये भी राजस्व संबंधित व्यक्ति है। अगला है पंड्या। पंड्या जो है अस्थाई राजस्व कर्मचारी है। पौनी, ये विशेष सेवादार हैं। अब इसके बारे में बताया नहीं गया कि किस प्रकार की सेवा लेंगे, पर ये विशेष सेवादार हैं। अगला है माल चपरासी, सरकारी संपत्ति और माल की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है और राजस्व संबंधी कार्यों में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा बख्शी, सिक्के नवीस, चिटनीस और कुछ अन्य पदों के बारे में यहाँ आपको आपको बताया जा सकते हैं, दिए गए हो सकते हैं एग्जाम में, पर यही कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बख्शी कौन है? सेना के भुगतान का प्रभारी है। सिक्के नवीस मुहर या सील का प्रभारी है। चिटनीस कौन है? सचिव है। ठीक है, इसके अलावा ताहुतदारी और तालुकदारी ये क्या है और क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। ताहुतदारी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। जो ऊसर, बंजर या त्यज भूमि है, मतलब जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर फसल नहीं हो पा रही है, उसको फसल योग्य बनाने के लिए जो मेथड अपनाया जाता था उसको कहा जाता था ताहुतदारी, और उस क्षेत्र को कहा जाता था ताहुत क्षेत्र। अगला है तालुकदारी। तालुकदारी वर्तमान ठेकेदारी पद्धति जैसा है, जहाँ पे जो ठेकेदार है वो बोली लगाएगा, जो एक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल के देने का बोली लगाएगा उसको उस क्षेत्र का तालुकदार बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लो एक बड़ा एरिया है जहाँ से हमको टैक्स कलेक्ट करना है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए और अलग अलग लोगों को यहाँ पे तालुकदार बना दिए। ये एक तालुका हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति को ये पूरा तालुका सौंप दिया गया। अब मान लो यहाँ पे इस एक जगह के लिए बोली लगाया तीन लोगों ने, ए ने कहा 100 रुपये, बी ने कहा 200 रुपये, सी ने कहा 300 रुपये, तो सी वाले को इस जगह का तालुकेदारी प्राप्त हो जाएगा और ये अपना खर्चा हटा करके जितना भी ये अब इस क्षेत्र से चाहे जितना पैसा इकट्ठा करे, इसने 300 रुपये बोली लगाया है, मतलब ये 300 रुपये साल भर में या जो भी फिक्स टाइम इंटरवल होगा उतने समय में ये राजा के पास अपना टैक्स का पैसा पहुंचा देगा, बाकी ये जितना चाहे यहाँ से लाभ कमा सकता था। ठीक है, इस पद्धति को हम कहते हैं तालुकदारी। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जगहों को ताहुतदारी के रूप में
डेवलप किया गया। तो कैप्टन सैंडिस के समय में लोरमी और तरेंगा को मराठाओं के काल में, मराठा मतलब रघुजी तृतीय के काल में सिरपुर और लवन को, इसके अलावा चार्ल्स इलियट के काल में संजारी, खल्लारी और सिहावा को, इन सभी क्षेत्रों को अलग अलग समय में ताहूत के रूप में व्यवस्थित किया गया या फिर डेवलप किया गया। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र नहीं थे, जिसको कि जहाँ पे इसको अच्छी तरीके से जुताई करके यहाँ पे कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इसी को कहा गया है ताहूतदारी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवन और तीन संजारी, खल्लारी, सिहावा। संजारी, खल्लारी, सिहावा चार्ल्स इलियट के काल में, सिरपुर और लवन मराठाओं के रघुजी तृतीय के काल में, और तरेंगा लोरमी सैंडिस के काल में। लास्ट की जो तीन ताहूतदारियां हैं, ये सभी 1854 के बाद में, मतलब ब्रिटिशर्स का जब डायरेक्ट कंट्रोल है छत्तीसगढ़ में, उस समय ये तीन ताहूतदारियां निर्मित हुई हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनके वर्ष, एग्जाम का नाम सब बताया गया है। इसके अलावा भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगला है, मराठाओं के समय में भूमि दान देने की परंपरा थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। भूमि दान में दी गई भूमि को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि एक है मुकासा, मुकासा का मतलब है ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूमि। धर्मदाय मतलब धर्म के नाम पर दिया गया दान। अगला है देवस्थान, देवस्थान का मतलब है मंदिर के नाम पर दिया गया भूमि। अगला है नमनुक, मतलब ब्राह्मणों को व्यक्तिगत खर्च के लिए दिया गया भूमि, नमनुक। नेक्स्ट है राजस्व संबंधी व्यवस्था, या फिर यूं कह सकते हैं कि टैक्सेशन मेथड्स, कौन कौन से तरीके थे जहां से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। तो टैक्स के रूप में सबसे प्रमुख एक टैक्स का सोर्स था टकोली। टकोली का मतलब है जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर। ठीक, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर, ये पूरा टेबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो लगभग सभी के बारे में आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन से चीज़ किस टैक्स, किस मतलब कौन सा जो टैक्स है वो किस चीज़ से संबंधित है, जैसे कि टकोली जो है वो जमींदारों से लिया जाने वाला टैक्स है। नेक्स्ट है सायर, सायर जो है वो आयात निर्यात कर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। कलाली, ये आबकारी कर है या मादक द्रव्यों या शराब पर लगाया गया शुल्क है। पंडरी, पंडरी का मतलब है गैर कृषि कर। कृषि कर का मतलब हमको पता है, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसके टोटल प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम कृषि कर के नाम से जानते हैं। पंडरी कर क्या है? पंडरी कर का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर कृषि कार्य नहीं कर रहा है तो उसके अलावा भी तो जीवन यापन के लिए कोई कार्य कर रहा होगा, जैसे कि बढ़ई है, कुम्हार है, लोहार है, नाई है, वो जो भी कार्य कर रहा होगा उससे होने वाली आय का 10% वो देता था पंडरी कर के रूप में। ठीक, अगला है सेवई कर। सेवई कर का मतलब है अगर कोई व्यक्ति शासन के नियमों को उल्लंघन करता है तो उससे जो जुर्माना लिया जाएगा उसको रखा जाता था सेवई कर के अंतर्गत। जैसे कि आज अगर हम देखें तो हम मान लो नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए तो जो पैसा पैसा लिया जाएगा वो उस समय के हिसाब से सेवई कर हो गया। ठीक, इसके अलावा आपने लाइन जो ट्रैफिक लाइट है उसको ब्रेक किया, उस कंडीशन में आपके ऊपर पैसा जो जुर्माना लगाया जाएगा वो भी किसके अंतर्गत आएगा? उस समय के हिसाब से सेवई कर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कोई भी दंड का राशि जो होगा वो सेवई कर के अंतर्गत आता था। इसके अलावा जमींदारी कर, जमींदारी कर मतलब आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया गया कर था, जो कि प्रति गाड़ी 3 पयाली के हिसाब से लिया जाता था। इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है, हो सकता है भविष्य में पूछा जाए। महल, महल मतलब खालसा जमीन पर लगाया गया कर। अगला है पट्टी, पट्टी मतलब घरों पर लगाया गया कर। आज के डेट में हम जो हाउस टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वैसा ही है पट्टी। अगला है टीका या नजराना, कमाविजदार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जाने वाला कर। अब ये जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नजराना या टीका, ये कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता था, लोग अपनी खुशी से अपनी सुरक्षा के लिए कमाविजदार को कुछ पैसा देते थे, इसको कहा गया है टीका या नजराना। अगला है शुक्राना, शुक्राना मतलब रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट। अब ये भेंट कहने का मतलब है कि राशि फिक्स नहीं है, कुछ भी प्राप्त हो सकता था।
ठीक है, तो रैयतों मतलब, अच्छा रैयत का मतलब क्या है, रैयत मतलब है किसान। टैक्सेशन का एक मेथड ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू होगा, रैयत वाड़ी, ठीक है, वहीं से ये शब्द निकला है रैयत, या यहीं से वो शब्द निकलेगा रैयत वाड़ी। रैयत का मतलब है किसान। तो रैयतों के द्वारा कमाविजदार को दिया जाने वाला पैसा है, इस दिया जाने वाला पैसा या भेंट, इसको कहा गया है शुक्राना। शुक्राना मतलब शुक्रिया अदा करना कि भैया आप हमारे ऊपर कम अत्याचार कर रहे हैं, इतना ही करिएगा, ठीक है, इसको कहा जा रहा है शुक्राना, शुक्रिया अदा करना। उसके बाद में ये एक टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी आप एक बार यहाँ पे नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि इसको बेवजह डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्न किस टाइप का पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है सिंपली कन्वर्जन को लेकर के, मतलब अगर एक पंसेरी में कितने शेर होते हैं, एक मन में कितने पंसेरी होते हैं, इस टाइप से कन्वर्ट करने से कितना वैल्यू आएगा, बस यही चीज़ है। यहाँ पे मुद्रा का अलग दिया है, माप तौल के लिए अलग प्रणाली है, दूरी के लिए या फिर अन्य वस्तुओं के मापन के लिए जो प्रणाली है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता था, इसको लेकर के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मराठाकालीन साहित्य एवं भाषा के बारे में। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बाबू रेवाराम के बारे में, इसे हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख साहित्यकार हैं वहाँ पे भी पढ़ने को मिलता है इनके बारे में। तो बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे, मराठाकालीन लेखक थे, और इनकी प्रमुख रचनाओं में एक रचना है तारीखे है वंशी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तारीखे है वंशी के लेखक कौन है, तो बाबू रेवाराम। इसके अलावा बाकी रचनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि सार रामायण, दीपिका, विक्रम विलास, गीता माधव, रामाश्वमेघ, रतनपुर का इतिहास, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी के बारे में प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम वगैरह और ईयर वगैरह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबू रेवाराम के बारे में या इनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा नहीं गया है, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछा ही गया है। ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस आपको साहित्यकार वाले टॉपिक में मिलेगा, ठीक है, साहित्यकार वाले टॉपिक में इन सभी रचनाओं के सामने आपको बहुत सारे एग्जाम के नाम और ईयर के नाम मिलते चले जाएंगे, किस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अगला है मराठाकालीन पंचायत एवं न्याय व्यवस्था। मराठाकालीन पंचायत व्यवस्था में एक मेंबर जो है वो सरकारी मेंबर होता था, इसके अलावा बाकी के जो लोग हैं वहीं के लोकल होते थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने सरकारी कर्मचारी होते थे पंचायत व्यवस्था में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो सरकार की तरफ से होता था यहाँ पे। इसके अलावा मराठों के समय में कौन सी पंचायत प्रणाली चल रही थी, तो मराठाओं ने कलचूरियों के ही पंचायत प्रणाली को यहाँ पर लागू किया हुआ था। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, बस इतनी सी चीज़ें याद रखिएगा। अगला है इनके रुपया के बारे में, नागपुरी रुपया, जो कि आगे चल करके बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रुपया शुरू हो जाता है। नागपुरी रुपया ख़त्म करके ब्रिटिशर्स का कॉइन यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। अगला है सेबंदी व्यवस्था। सेबंदी व्यवस्था का मतलब है पुलिस व्यवस्था। सेबंदी व्यवस्था जो है वो पुलिस से संबंधित है। इसके अलावा इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि मराठाओं ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से केवल गौंटिया का पद जारी रखा था। इसके अलावा दहसाला बंदोबस्त लागू नहीं की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है कि इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में इनमें से कौन सी पद्धति को लागू नहीं किया है, तो दहशाला पद्धति लागू नहीं किया गया है, इजारेदारी लागू नहीं किया गया है। ये सभी जो मेथड्स हैं वो ब्रिटिशर्स आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जब पूरा भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन रहता है उस समय ये अलग अलग मेथड से टैक्स वसूलने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मराठों के समय में दहशाला या इजारेदारी ये सब शुरू नहीं किया गया था, ठीक। तो इसको किस टाइप का फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा है इनमें से मराठों के भू राजस्व प्रणाली में क्या क्या चीज़ें शामिल है या क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है। अब चार ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दे देगा और फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन देगा कि केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, या इनमें से सभी, इस प्रकार से। तो उसमें से ये उस फॉर्मेट से ये क्वेश्चन निकाला गया है और इसको महत्वपूर्ण पॉइंट के तौर पर यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि दहशाला पद्धति और इजारेदारी व्यवस्था ये दोनों ही मराठों के समय में लागू नहीं थी। अगला है भूमि की माप के बारे में। भूमि की माप में जनरली एक हल में 2 से 2.5 एकड़ भूमि होता था और भूमि की माप हलों की संख्या के आधार पर होती थी,
ठीक, मतलब अगर किसी अगर राजा लगान निर्धारित करना हो तो जो लगान निर्धारित करने वाला व्यक्ति है वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि फलना किसान के पास 4 हल भूमि है। तो 4 हल भूमि का मतलब है कि उसके पास 8 से लेकर के 10 एकड़ भूमि है। 1 हल भूमि का मतलब क्या है, 2 से 2.5 एकड़ की भूमि। ठीक, इसके अलावा 1 मन = 8 पंसेरी होता था। ये सारा कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, आपको एक बार वो चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो मराठाओं का शासन था ये समाप्त हो जाता है। इनके शासन पद्धति के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, और इस शासन व्यवस्था के बाद में मतलब 1854 तक मराठों के शासन के बाद में इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का शासन लागू हो जाता है। क्यों लागू होता है, तो डलहौजी की हड़प नीति की वजह से। ठीक है, रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद यहाँ पे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हो गया, और अब यहाँ पर डायरेक्ट रूल चालू हो गया किसका, ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो भी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस की हैं वही चीज़ें डिस्कस की हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा करके पूछे गए हैं। ये पूरा जो डिस्कशन सीरीज है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पहले ही पढ़ चुके हैं और सिर्फ अभी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। आपको पूरी चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ को हम फ्यूचर में कभी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पर फिलहाल हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।